देखते खबर मेरठ से। शहर में आईपीएल सट्टा बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। आज एएसपी की टीम ने छापा मारकर तहसील के बाबू समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले टीपी नगर पुलिस ने भी ट्रांसपोर्ट नगर में आईपीएल सट्टा लगाते 4 ट्रांसपोर्टरों को गिरफ्तार किया था। पुलिस को अंदेशा है कि शहर में और भी स्थानों पर आईपीएल पर सट्टा लगाया जा रहा है। आज सदर एएसपी की टीम ने शहर के स्टार प्लाज्मा में छापा मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में तहसील का बाबू ईशान भी शामिल है। इनके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। 4 आरोपी लाल कुर्ती पुलिस ने और 6 आरोपित सदर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बताया जा रहा है कि स्टाफ प्लाजा के अंदर आईपीएल सट्टा खेल रहे थे। पुलिस इनसे जुड़े हुए लोगों की तलाश कर रही है। रोजाना करीब 10 लाख रुपए का सट्टा लगवा रहा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि मेरठ में ही सटोरिए कई जगहों पर इस काम को कर रहे थे। हर 2-3 दिन बाद इनका ठिकाना बदल जाता है। इस रैकेट में मुख्य बुकी धर्मेंद्र अरोड़ा है। उसने दिल्ली में आईपीएल की बुकिंग करने वाले चोपड़ा नाम के बड़े बुकी से 3,000 रुपए में लाइन खरीदी है। इसके बाद अपने साथ अन्य लोगों को जोड़कर उनके मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलने का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। ऊपर होता है बुकी जो कि लाइन देता है, तो बुकी वगैरह मेनली बड़े शहरों में दिल्ली मुंबई वहाँ से ये लाइन देते हैं। फिर यहाँ पे जो सटोरी हैं उनसे लाइन लेते हैं, फिर ये अपने लोगों को खिलाते हैं। इसमें पैसा लगाया जाता है। फिर हर मैच के बाद हर किसी का एक अकाउंट, एक खाता होता है, एक बुक खुलती है। कोई भी डायरेक्ट खेलना चाहे तो वो डायरेक्ट नहीं खेल सकता है, लेकिन उसको खेलने के लिए अपनी बुक खुलवानी पड़ती है। तो उसी के अकॉर्डिंग पैसा होता है। उसी में जो पैसा हारता है तो कटता रहेगा, बढ़ेगा तो उसमें जुड़ता रहेगा। फिर उसके हिसाब से जिसको पैसा चाहिए होता है वो आके अपना इनसे पेमेंट कैश में ही पेमेंट मोड को ये यूज़ करते हैं। उसमें ये इस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है।